चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अयोध्या चक गांव में शनिवार को राशन लेने गई युवती को नशे में धुत कोटेदार के पुत्र ने छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए। उधर इस घटना की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मारपीट, धमकी और छेड़खानी की धारा में केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, गांव की एक युवती ने पुलिस को तहरीर में बताया कि शनिवार की सुबह 9 बजे वह गांव के कोटेदार की दुकान पर राशन लेने गई थी। 12 बजे तक राशन नहीं मिला तो घर लौट आई। दोपहर बाद दोबारा गई तो कोटेदार व उसके पुत्र ने गाली देकर भगाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर नशे में धुत कोटेदार के पुत्र ने उसके साथ छेड़खानी की और मारपीट के साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए। साथ ही उसने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया। उधर उसका वीडियो भी वायरल होने लगा। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती से तहरीर लेने के बाद कोटेदार के पुत्र विनोद के खिलाफ धारा 323, 504, 506 व 354 के तहत केस दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि युवती ने मारने, पीटने और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, कल थाना चौरी चौरा के अयोध्या चक गाँव में एक महिला के साथ गाँव के कोटेदार के लड़के द्वारा जब वो राशन लेने गई थी, मारपीट, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार की शिकायत थाने पर प्राप्त हुई थी। इस प्रकरण में चौरी चौरा पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसे गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है।